तो अभी दिखाएंगे ये टूल्स। हाँ, टूल्स क्या क्या होते हैं इनके, ये देखिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे हीरो से मिलवाने जा रहा हूँ जिनको कोई नहीं जानता, लेकिन असल में अगर देखा जाए तो जो भी आप ट्रेन यात्रा करते हो, किसी भी ट्रेन में आप यात्रा करते हो, अगर ये अपना काम नहीं करे ना तो भाई आपकी यात्रा कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। क्योंकि आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ रेलवे गार्ड की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं एंड वो कितने घंटे ड्यूटी करते हैं एंड उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है। कोई पैसेंजर नीचे गिर रहा है या कुछ भी हो रहा है, ट्रेन को कब सिग्नल देना है, कब नहीं देना है, कब पास करनी है, कब नहीं करनी है, इनको जब भी इंस्ट्रक्शन मिलती है तो ये अपनी ड्यूटी को पूरी शिद्दत से निभाते हैं। सो दोस्तों, आज मुझे चांस मिला है इनकी लाइफ को समझने के लिए। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि आप हर एक रेलवे एम्प्लॉय की दिल से रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका ही योगदान रहता है आपकी सक्सेसफुल जर्नी के पीछे। तो आइए समझते हैं रेलवे गार्ड की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। हेलो, है ना, सर सर कोल्ड ड्रिंक, वन ड्रिंक। आपको सर, हाँ सर, आपका दिस कोड, नो आई हैव अ से हियर, इज फ्रॉम जम्मू, आई एम फ्रॉम जम्मू, या फ्रॉम जम्मू, आई एम फ्रॉम बिहार। देखते हैं ये ठंडा करता है कि नहीं करता है फ्रिज, बाकी फ्रिज तो ऑफ है यार, ऑन कर लो ना यहाँ से। सर ये लीजिए, कोल्ड ड्रिंक। सो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग एंड आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ विस्टाडोम के गार्ड के साथ ट्रैवल एंड दिखाएंगे आपको गार्ड की लाइफ कैसी होती है। ये मेरा फर्स्ट ट्रैवल है गार्ड्स के साथ। बाय सर, टाटा। यार देखो सर मिले थे हमें, बहुत ही बढ़िया सर थे, बहुत नाइस थे। एंड मैं क्या बोल रहा था कि गार्ड के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, गार्ड की लाइफ के बारे में बताएंगे एंड विस्टाडोम को चल रहा है, उन्हीं का गार्ड है, इनकी लाइफ के बारे में जानते हैं एंड देखते हैं इनका क्या क्या काम होता है, ठीक है। एंड देखिए ये अभी इन्होंने ट्रेन सिग्नल, दोस्तों गाड़ी डिपार्ट करवाने के बाद देखिए सर अपने काम में बिजी हो गए हैं, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे दिल के साथ अपना काम कर रहे हैं ये। और भी लो, बस थैंक यू भैया, बस कोई चक्कर नहीं, थैंक यू। सो आज हम दोनों इनकी लाइफ को समझने की ट्राई करेंगे कि कितना टफ काम होता है ना फिर का। हाँ, पूरा टाइम अराइवल डिपार्चर ये पूरा, मतलब आप नोट करके रखते हो कि कितने बजे गाड़ी स्टेशन में पहुंची, अगर 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 लेट है तो रेड पेन से, अगर हाँ रेड पेन है ओनली स्टेशन का नाम लिखता, ओह स्टेशन का नाम, और ब्लू पेन से, ब्लू पेन से टाइम, हाँ भाई इनकी लाइफ हमारी तरह ही होती है, जैसे हमें हर स्टेशन पे स्टॉप उतर के ट्रेवल मतलब कवर करना पड़ता है, वैसे इनको भी लिखना पड़ता है ना। ये वॉकी टॉकी किससे कनेक्ट होती है, वॉकी टॉकी, हां सर ना, राइट टाइम, हां राइट टाइम लिख गया, अभी राइट टाइम हो गया, बाद में सेंटर में क्या क्या डिटेंशन होगा तो डिटेंशन रिमार्क करता। अच्छा अच्छा, तो ये मतलब यहाँ पे लिखते हैं कि गाड़ी सही टाइम से गलत आ जाए। ये वॉकी टॉकी किससे कनेक्टेड है, वॉकी टॉकी बात करने कम्युनिकेशन लोको पायलट का मेरा को। ओह अच्छा अच्छा, लोको पायलट से, लोको पायलट से मेरा को। और आपको टूल्स क्या क्या दिए रहते हैं, ये सेक्शन में
की ड्यूटी स्टार्ट होने से पहले इनको एक नोट दिया जाता है जिसमें ये लिखा रहता है कि कौन से स्टेशन पे कितनी स्पीड मेंटेन करके रखनी है एंड कितने स्टेशन है। किलोमीटर में स्पीड जाना नॉर्मल स्पीड है, ये भी किलोमीटर में 20 किलोमीटर स्पीड जाना। ओ एवरेज मतलब लिमिट स्पीड पूरे ट्रैक में आपको एक लिमिट। ये भी मैं सभी का वर्कर था। हाँ निर्धारित स्पीड दी जाती है आपको। तो दोस्तों इनको निर्धारित स्पीड दी जाती है एंड ये वॉकी टॉकी कनेक्ट होती है अपने लोगो पायलट के साथ। बाकी टूल्स क्या दिए रहते हैं, टूल्स दिखाना, टूल्स 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 अभी आपको दिखाएंगे ये टूल्स क्या क्या होते हैं। सभी का ये था तो अभी दिखाएंगे ये टूल्स। हाँ टूल्स क्या क्या होते हैं इनके, ये देखिए ये लास्ट व्हीकल कब यूज होता है, कब यूज लास्ट व्हीकल चलता ना ये कंप्लीट इनका एलवी जो की ट्रेन के पीछे लगा रहता है। हाँ लास्ट व्हीकल नाइट में ये लगता। हाँ जला के दिखाना नाइट में, ये देखिए ये लिखता ये ब्लिंक करता है ना, ब्लिंक करता है। जलाना इसको, जलाना जलाना ऑन 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 करो, ऑन है ये भी वो चेंज करना। ओ ओके खराब है ये, खराब है एंड ये क्या है, ये रेड फ्लैग होता है डेंजर की नहीं रोको गाड़ी और ग्रीन। हाँ और ये आपको हर एक स्टेशन पे वेव करना पड़ता है, एक्सचेंज करना। हाँ वेव करना पड़ता है सिग्नल के लिए एंड ऐसी कुछ इनकी डायरी है। और ये क्या, ये भी लास्ट है, ये दिख रही है फिक्सिंग है। हाँ ये गाड़ी का फिक्सिंग नॉर्मल फिक्सिंग है। हाँ ठीक है ठीक है। ये क्या है, ये भी सेम है इसका मेरा। ओके ओके वन वन ये देखिए रेड लास्ट है, नाइट में ग्रीन 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 नहीं है, ओनली रेड नहीं है, येलो आ रहा। हां येलो येलो आ रहा। येलो कब ब्लिंक करते हैं, येलो कब दिखाते हैं, येलो येलो का ये कब दिखाते हैं येलो बता। ये पार्टिंग हो रहा, ये क्वेश्चन है हाफ ऑफ पार्टिंग होता। ओ ठीक है ठीक है। हाफ ऑफ ट्रेन अगर कटनी हो ट्रेन में से सभी को है तो ये आप क्वेश्चन ऐसे में लेके जाता, ये क्वेश्चन ये कैसे लेके जाता ना, ये में येलो चलता। ओ कंप्लीट नहीं आ गया तब आपको येलो करनी पड़ती है ना, ब्लिंक करनी पड़ती है। ये मैं नहीं डाल क्या है, ये सिल है। हाँ सर ये नहीं डाल ठीक है। दोस्तों इनके पास एक फर्स्ट एड बॉक्स रहता है, अगर किसी भी यात्री को चोट लग जाती है तो ये यहाँ से इलाज करवा सकते हैं। ये रेलवे का WTT सभी क्या है, रेलवे का क्या WTT एक जैसन ऑर्डर। हाँ सभी क्या था, कितने घंटे की ड्यूटी होती है आपकी, अभी 4 आवर्स 4 आवर्स की 4 या 5 आवर्स 4 या 5 आवर्स की नॉर्मल सर 6 आवर्स है ये गाड़ी 5 आवर्स चला। हाँ वर्क करता है अगर आप, अच्छा ये ओ ये पीछे जो ब्लिंक कर रहा है नहीं आया, आ गया स्टेशन, स्टेशन आ गया। हर एक स्टेशन पे इनको वेव करना होता है फ्लैग, क्योंकि ये सिग्नल देता है कि ट्रेन सुरक्षित चल रही है, ट्रेन में कोई फॉल्ट नहीं है। ये देखिए इन्होंने नोट कर लिया यहाँ भी टाइम, यहाँ भी इन्होंने नोट कर लिया। दोस्तों ये इनका
का इंटीरियर एंड वो देखिए यहाँ से लाइट ब्लिंक करती है। ये अपनी फीड पाइप जिसका प्रेशर होता है 5.6 केजी एंड इस ये अपनी ब्रेक पाइप जिसका प्रेशर होता है 5 केजी, ठीक है 5 केजी थोड़ा सा ज़्यादा है। ये इनको मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर कोई चैन पुल करता है तो ये सिग्नल इंडिकेट करता है, यहाँ से ये डाउन चली जाती है, ठीक है। बाकी ये इनकी एमरजेंसी ब्रेक है, जब गाड़ी यार्ड में खड़ी करते हैं तो इसको ये लगा देते हैं। बाकी इनका इंटीरियर देख सकते हो, ऐसा कुछ इंटीरियर है इनका, देखिए सुरक्षित घर पे पहुंच जाते हैं इन्हीं की बदौलत। अगर ये अपना काम दिल से नहीं करे तो भाई गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, इसलिए इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड होती है क्योंकि इनको हर एक चीज़ को देखना पड़ता है, ठीक है। ट्रेन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कोई पैसेंजर चढ़ रहा है, नहीं चढ़ रहा है, कोई नीचे आ रहा है या कुछ भी हो रहा है ट्रेन में, इनको सिग्नल इंडिकेट करना होता है। एंड एक बार ये गाड़ी में चढ़ जाएँ तो भाई इनको पूरा डेडिकेशन के साथ अपना ड्यूटी करनी होती है, एंड ये ऐसा करते हैं तभी हमारी जर्नी सक्सेस हो पाती है। एंड देखिए एक रहता है सीसीटीवी कैमरा, ये एलएचबी कोच में ये एसी दिया रहता है कि मतलब जो कैबिन है वो ठंडा रहे। ऐसा कुछ इंटीरियर तो दोस्तों ये था हमारा विस्टाडोम कोच, मैंने ट्रैवल किया हमारे गार्ड सर के साथ, बहुत ही अच्छा लगा एंड इनको दिल से सैल्यूट है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग इनकी लाइफ होती है। सर थैंक यू सो मच। सो आई होप कि आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इंस्टाग्राम पे DM करना ना भूलें। मेरी यूज़र आई डी है मिस्टर विशाल _शर्मा_ क्या ये भाई मुझे अंकल बोल रहा है, आपका क्या यूट्यूब चैनल नेम है? आपका नहीं है, मेरा ही मिस्टर विशाल। मिस्टर विशाल, या ओके, थैंक यू मिस्टर विशाल। विशाल, हाँ मिस्टर विशाल, थैंक यू तो ओके ब्रो। सो दोस्तों मिलेंगे आपको सीधे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए और अपना ध्यान रखें। बाय बाय। ए निदान कणा नमस्कार।